आगामी विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है और कांग्रेस के मिशन रिपीट को पूरा करने के लिए बैठकों का दौर जारी हो गया है। इसी कड़ी में हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने की। इस अवसर पर पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, अनिता वर्मा, मंडी समिति चेयरमैन प्रेम कौशल, प्रवक्ता राजेंद्र वर्मा मौजूद रहे। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बैठक में रणनीति तैयार की गई है और आने वाले दिनों में जिला में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुटता से काम करने के लिए आह्वान किया गया। मासिक बैठक थी, बैठक का आयोजन किया गया और इसमें सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों को भी बुलाया गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था बूथ स्तर पर पांच व्यक्तियों की नियुक्ति करनी और आने वाले कल में जो ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा उसमें वो पांच व्यक्ति पर बूथ जो हैं वो उस सम्मेलन में भाग लेंगे। आज मुख्य उद्देश्य बूथ और साथ में ही हिमाचल प्रदेश की सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनको लेकर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर जाएंगे और वहां जाकर उनकी उपलब्धियों को गिनाएंगे और साथ में 2017 के जो चुनाव हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव, उनकी तैयारियों को लेकर संगठन जो है वो पूरी तरह से मजबूती के साथ उतरने के लिए आज के जो बैठक का इसका मुख्य उद्देश्य यही था। वहीं नरेश ठाकुर ने शिमला नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों के जीतने का दावा किया और कहा कि शिमला नगर निगम चुनावों में इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे। नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस निश्चित तौर पर जीतेगी और वहां पर हमारे प्रत्याशी जीतकर भी आएंगे और वहां जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं और हमारी ही वहां पर बनेगी, वहां पर जो नगर निगम के चुनावों में हमारे लोग जीतकर आएंगे।